Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 4, 3, 2, 1, go. हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी माला अपनी जेब से फकीर है। बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है। कहता है जोकर सारा जमाना, कौन है अपना कौन पराया। राज कपूर बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। नेहरूवादी समाज से अभिप्रेरित होकर अपने जीवन के शुरुआती फिल्मों के माध्यम से प्रेम कहानियों को मादक अंदाज देकर हिंदी सिनेमा का जो नया रास्ता बनाया था, उनके बनाए रास्ते पर कई फिल्मकारों ने अपना सफर शुरू किया। अपने समय के सबसे बड़े शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने एक अलग ही रास्ता बनाया था। राज कपूर की अधिकतर फिल्मों की कहानियां उनके जीवन से जुड़ी होती थीं। अपनी फिल्मों में उन्होंने अधिकतर मुख्य नायक का किरदार निभाया था। जिस दुनिया में आप रहते हैं वहां इंसान के दिल और दिमाग की नहीं, उसके कपड़ों की इज्जत होती है। शार्कस्किन के सूट, सिल्क की कमीजें और जॉर्जेट की साड़ियों की इज्जत। माला अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। बल्कि एक वक्त आता है जब प्यार किसी कांटे की चुभन की तरह खुद ब खुद महसूस होने लगता है। मगर वो वक्त कब आता? उसका कोई वक्त नहीं रेशमा, किसी भी दिन बहार के पहले फूल की तरह अचानक ही वो वक्त आ जाता है। और अगर मैंने पैसे ना दिए तो? हम समझेंगे हमारे बेटा ने खाया। जा, जा, जा। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 में पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। बॉलीवुड में राज कपूर हिंदी फिल्म अभिनेता के साथ निर्माता निर्देशक भी बने थे। राज कपूर भारत के साथ साथ तत्कालीन सोवियत संघ के साथ ऑल ओवर मॉस्को टू ग्रीट द सोवियत सिनेगॉग्स। हियर इज आवारा, दे कॉल इट प्रद्यागा इन रशिया, एंड हियर इज राज कपूर। चीन में भी काफी लोकप्रिय हुए थे। As the great man Mr. Lenin has said that cinema is the greatest weapon to mold your country and to bring about different countries into one, so cinema is the greatest mission for all young men to bring different countries into one fold. राज कपूर को अभिनय विरासत में मिला था। उनके पिता श्री पृथ्वीराज कपूर अपने दिनों के सफल और मशहूर रंगकर्मी के साथ फिल्म अभिनेता हुआ करते थे। पिता पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर के माध्यम से देश का दौरा किया था। पिता के साथ राज कपूर भी रंगमंच किया करते थे। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। फूल सरी का एक छोटा सा लल्ला होगा मेरा कमोजी, और उसका नाम मैं रखूंगा श्री गंगा प्रसाद। क्यों? आप मेरे उस लल्ले की माँ बनेगी। अगर शिवजी ने चाहा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। राज कपूर का सपना 24 साल की उम्र में पूरा हुआ जब उन्होंने फिल्म आग 1948 में बनाई थी।
पहली बार पर्दे पर मुख्य भूमिका निभाने के साथ फिल्म का निर्माण और निर्देशन भी किया था। फिल्म बनाने का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन उनके सपनों की भूख और बढ़ गई। अगर शिवजी ने चाहा तो यहाँ लल्लों की लाइन लग जाएगी जी। अब उनका एक और सपना था आर के स्टूडियो। राज कपूर अपना खुद का एक स्टूडियो बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने चेंबूर में 4 एकड़ जमीन 1950 में खरीदी और इसकी स्थापना की। अपने स्टूडियो में उन्होंने 1951 में फिल्म आवारा में रुमानी नायक की भूमिका निभाकर काफी फेमस हो गए। राज कपूर की फिल्मों के गीत काफी लोकप्रिय हुए, जिन्हें हम आज भी लोगों को गुनगुनाते सुन सकते हैं। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। ना समझे वो अनाड़ी है, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया मस्ता भैया, रमैया मस्ता भैया। चिट्ठियां हो तो हर कोई बांटे, भाग ना बांटे कोई। लेकिन उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय गीतों में सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तान। आवारा हूँ, आवारा हूँ। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं। बचपन से ही राज कपूर को सफेद रंग मनमोहक लगता था। जब भी वो सफेद साड़ी पहने किसी स्त्री को देखते थे, तब वह उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। उनका यह सफेद रंग के प्रति मोह जीवन भर बना रहा। उनकी फिल्मों में अधिकतर अभिनेत्रियां सफेद साड़ी पहने ही अभिनय करते नजर आती थीं। सत्यम शिवम सुंदर, राज कपूर को संगीत की अच्छी खासी समझ थी। जब फिल्म का गीत बनाया जाता तो राज कपूर को पहले सुनाया जाता। अपने आर के बैनर तले राज कपूर ने संगीत की कई टीम को तैयार किया था, जिनमें गीतकार शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन, रविंद्र जैन, विठल भाई पटेल, छायाकार राघु करमरकर, गायक मुकेश मन्ना डे जैसे कई साथियों की महत्वपूर्ण टीम को तैयार किया था। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर। राज कपूर की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर समाज के गंभीर और मानव स्वभाव पर आधारित है। निर्माता निर्देशक बनकर राज कपूर ने दर्शक की पसंद और नापसंद को समझने में कामयाब रहे थे। 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली की अपार सफलता ने इसे सिद्ध कर दिया था। हालांकि उस दौर में वीडियो के आगमन ने हिंदी सिनेमा को भारी नुकसान पहुंचाया था। दो मई 1988 को राज कपूर को भारतीय फिल्म उद्योग का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के दौरान राज कपूर को अचानक दमे का दौरा पड़ने से वह अचेत होकर गिर पड़े। एक माह तक जिंदगी और मौत की लड़ाई करते हुए 2 जून 1988 को वह जिंदगी की जंग हार गए। कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गो। क्या करूं, बस आप ही के बारे में सोचता रहता हूं। जागता हूं तो आपके बारे में सोचता हूं, सोता हूं तो आपके बारे में सोचता हूं, बस आप ही के बारे में सोचता रहता हूं। मेरा मन ही नहीं लगता कि मर के भी किसी को याद आएंगे, तुमको न भूल पाएंगे।
इसे हम संयोग भी कह सकते हैं कि 3 मई 1980 को नरगिस की मृत्यु हुई थी और राज कपूर की 2 मई को। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।